मोदी सरकार के सत्ता में 9 साल पूरे होने पर भाजपा कार्यकर्ता पूरी तरह से उत्साहित है। कार्यकर्ता इन 9 सालों में केंद्र सरकार के कामों को लेकर महाजनसंपर्क अभियान के तहत जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। डोईवाला में जनसंपर्क अभियान के तहत अनुसूचित मोर्चा की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर ज्वालापुर के पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने हिस्सा लिया और कहा कि सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर भाजपा की ओर से महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। 2014 में भाजपा सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास के नए आयाम छुए हैं और 9 वर्ष के कार्यकाल में बेमिसाल कार्य किए हैं, जिसमें जनधन योजना, सड़कों का विकास, उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना और आवास योजना के साथ ही मुफ्त अनाज और मुफ्त वैक्सीन जैसी सुविधाएं भारत की जनता को मिली है, जो कि 70 सालों में कांग्रेस नहीं कर पाई। इसी को लेकर भाजपा आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता के बीच जाएगी और एक बार फिर से केंद्र में मोदी के नेतृत्व में भाजपा जनता पार्टी सरकार बनाएगी। मित्रों, 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने बहुत सारे विकास के आयामों को छूने का काम किया। आपने 9 सालों के अंदर परिवर्तन देखा होगा, चाहे वो सड़कों को लेकर हो, देश के विकास की बात हो, या संपूर्ण संसार के अंदर एक नया कीर्तिमान स्थापित नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा किया गया। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।